भाई साहब देखो क्या लिख रखा है बंदे ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टाइम हो चुका है 7:36 और आज दिन है फ्राइडे का। तो आज मैं गाड़ी चलाऊंगा 8 से 5 तक, क्योंकि जो भाई लोग अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो जानना चाहते होंगे कि हम 8 से 5 की नौकरी करते हैं, अगर हम ओला उबर में 8 से 5 गाड़ी चलाए तो कितने रुपये बचा सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कितने रुपए की कमाई होती है, कितने रुपए का खर्चा आता है और कितने रुपए अपनी जेब में बचते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मैं खड़ा था रिपब्लिक क्रॉसिंग में, अभी ड्यूटी ऑन करी है मैंने, 7:40 हो गई हैं। तो मेरे पास अभी एक बुकिंग आई है मोरटा की, जो उधर है राजनगर एक्सटेंशन मेरठ रोड की तरफ, तो उसे जा रहा हूँ पिकअप करने। आज पोल्यूशन बहुत है रोड पे, मतलब अभी से ऐसा लगने लग गया कि कोहरा पड़ रहा है, लेकिन कोहरा नहीं है भाई, पोल्यूशन है। पोल्यूशन देखो, हो रहा सूरज। तो कस्टमर को कर दिया मैंने ड्रॉप, और मैंने ड्रॉप करा था ये DPS पब्लिक स्कूल राजनगर एक्सटेंशन, और कस्टमर का बिल तो पता नहीं कितना था ऑनलाइन पेमेंट का, लेकिन ओला ने मुझे 217 दिए इस बुकिंग में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ, मतलब अभी आई तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे मिलेगी नहीं, ये तो जंगल है सारा। तो चलते हैं राजनगर एक्सटेंशन की तरफ या संजयनगर की तरफ। तो गाइस, अपन के पास नेक्स्ट राइड आ चुकी है, जो कि है ग्रेटर नोएडा की एक मूर्ति के पास की, और अब मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। जो पिकअप है हमारा 8 दूर है। कस्टमर का फोन भी आ गया था कि भाई आ रहे हो नहीं, मैं सर आ रहा हूँ, सुबह सुबह कौन बने करेगा बुकिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं बुकिंग के लिए। तो फाइनली बुकिंग कर दी मैंने एंड, और कस्टमर को कर दिया मैंने ड्रॉप, और ड्रॉप था ये Ecotec 3 ग्रेटर नोएडा में। तो कस्टमर का बिल बना था 485 और ओला ने मुझे दिए 320। ठीक है, और गाड़ी चली कम से कम 30 लगभग 30। ओला मिनी में ड्यूटी दिए तो इसलिए इतना कम मिला, प्राइम में होती तो कुछ ज़्यादा मिल जाता। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में तो अब सुबह सुबह ड्यूटी बजने से रही। तो चलते हैं बिल्डिंगों की तरफ, चाहे सोसाइटियाँ, लंबी लंबी बिल्डिंग है। यार ये धुंध बहुत हो रही है आजकल, जो ना पोल्यूशन है पता नहीं क्या है, अब ठंड आने लगी है तो ये धुंध भी आने लगी है। और ये धुंध पता क्या करती है, ये आंखों पे जलन करती है, आंखों में बहुत जलन करती है। अगर शीशा खोल के तुम गाड़ी चलाओगे तो ये आंखों में जलन करती है काफी। और इसी के साथ हमारी CNG हो चुकी है खत्म, ये कर रही टैन टैन है। तो गाड़ी में पेट्रोल पड़ा था थोड़ा बहुत, तो पेट्रोल पे ले जा रहा हूँ मैं अभी से CNG पंप तलक, थोड़ा बहुत पेट्रोल डालना भी बहुत जरूरी है भाई, टंकी में है। तो CNG पंप पास में ही है खैर यहाँ पे IGL का, लेकिन यहाँ लग रहा है लाइन लग रही है लंबी, ये तो ट्रकों की लाइन लग गई, कारों की पता नहीं। वैसे IGL के पंप पे जो ना जो होते हैं ओरिजिनल वाले पंप, मतलब जिन पे बस गैस ही गैस मिलती है, तो उन पे भीड़ कम होती है तो इस पे भी ज़्यादा ही। खैर यार देखो, काफ़ी दिनों बाद चलती है ना पेट्रोल पे, तो फिर ड्रामे करती है भाई साहब। देखो क्या लिख रखा है बंदे ने, पढ़ो। धीरे गाड़ी चलाने वाला भी मर्द होता है, यकीन मानिए जब हड्डियाँ टूटती हैं तो दर्द होता है। वाह वाह, क्या शेर अर्ज करा है भाई, क्या शेर है। धीरे गाड़ी चलाने वाले भी मर्द होता है,
यकीन मानिए जब हड्डियाँ टूटती हैं तो दर्द होता है। वाह 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 वाह। तो काम हो चुका है टोटल 577 रुपए का। ओला में ही बुकिंग करी है मैंने, उबर खोली नहीं आज, क्योंकि यार ओला सही फील बना रही है फिर भी उबर से। उबर तो बिल्कुल ही यार ऐसे समझ रही है हमें जैसे हम ऑटो ऑटो चला रहे हों। बहुत कम बिल बना रही है उबर। तो आज मैंने ओला ही ऑन कर रखी थी सुबह से, दो बुकिंग करी है ओला में और 577 रुपये का काम हो चुका है, ठीक है। और गाड़ी चल चुकी है तुम्हारी लगभग 55 किलोमीटर, 577 का काम हुआ है। अब मैं खड़ा हूँ सीएनजी पंप पे, ठीक है। 577 में मान लो ज़्यादा से ज़्यादा है, और मेरा अंदाजा खाली पड़ी है टंकी, मेरे अंदाजे से आएगी 650 रुपये के करीब की है, उससे ऊपर की भी आ सकती है, ठीक है। 577 का काम और 650 की गैस। यार मैं बताऊं तुमसे बात, देखो लोग बाग जो कहते हैं ना कि ओला में बहुत कमाई है, बहुत कमाई है ओला में, जो ना कमाई तो बहुत है, कमाई तो बहुत है लेकिन बचत बहुत कम है यार। इनमें से जो ना बहुत बंदे ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे हैं ना ओला उबर के लिए, कि ओला उबर के बारे में हम तुम्हें बताएंगे, व्लॉग बना रहे हैं। तो भाई ये मैं इनका व्लॉग देखता हूँ कभी कभी, तो ये जो ना टोल जो होते हैं ना, टोल MCD टोल हुआ, UP टोल हुआ, हरियाणा टोल हुआ, उन्हें भी अपनी अर्निंग में जोड़ देते हैं। अरे भाई इनमें तुम्हारी क्या अर्निंग हुई, ये तो तुमने सरकार को पे कर दिया, MCD टोल दे दिया और सरकार को दे दिया, उसे तुम अपनी अर्निंग में जोड़ के बता रहे हो कि मान लो उन्होंने काम करा 2000 का और 300 रुपये का टोल दे दिए, तो वो बताते हैं कि 300 रुपये का टोल दे दिए और हमारा काम हुआ आज का 2300 रुपये का। भाई 2300 रुपये का कैसे काम हो गया भाई, ये नेट अर्निंग थोड़ी ना होगी तुम्हारी। अब बहुत से बता रहे हैं कि मैंने आज 3500 रुपये का काम करा, 3500 रुपये की अर्निंग करी ओला में उबर में, और मैंने गैस फूकी 600 रुपये की। भाई 3500 रुपये के काम में किसकी गैस 600 रुपये की फूक रही है, क्या तुम बिल्कुल हवा में चला रहे हो क्या गाड़ी को, जो गैस ही नहीं फूक रही तुम्हारी। भाई एवरेज लगा लो सिटी के अंदर 1500 से लेके 1800 तक का काम आप एक टंकी में कर सकते हो। मतलब एक टंकी का मतलब है कि थोड़ी बहुत गैस बचा के रखो एमरजेंसी के लिए, जो तुम दोबारा डलवा लो, तो वही एवरेज आता है। भाई देखो अगर आप 3500 रुपये का काम कर रहे हो ना, तो 3500 में दो टंकी गैस फूकेंगी आपकी नॉर्मली, क्योंकि तुम खाली भी चलोगे थोड़ा बहुत, ऐसे तो है नहीं कि तुमने जहाँ बुकिंग छोड़ी वहीं से तुम्हें बुकिंग मिलगी, पिकअप के लिए भी जाओगे 3-4 किलोमीटर। तो भाई देखो असलियत बताओ ना, जो चीज़ है तुम्हें, कौन सा कोई कुछ चीज़ दे रही है, ओला दे रही है या उबर दे रही है तुम्हें कि हमारी बढ़ाई करो। बस जो जिस काम को तुम कर रहे हो, व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ है वो रियलिटी दिखाओ ना, उस चीज़ की जो रियल है वो बताओ भाई, क्या कोई दूसरों को फंसा रहे हो। अब जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करने का, रियलिटी दिखाओ। पर दोगलापन नहीं बिल्कुल भी कि आज इतने का करा, फर्जी अर्निंग दिखा दिए और खर्चा बता ही नहीं रहे कि कितने रुपए का खर्चा हुआ है। भाई खर्चा भी बताओ, सारी चीज़ें बताओ, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानी आती हैं, क्योंकि आदमी यार नई गाड़ियाँ लेता है 4 साल के लिए, फंसता है फिर उसमें, अब 1-2 महीने चलाने के बाद वही प्रॉब्लम फेस करता है, फिर कहता है कि यार किसी ने ऐसे तो बताई नहीं थी, अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई पहले बता दो, जिसको अच्छा लगेगा वो इस काम को करेगा, जिसको नहीं लगेगा अच्छा वो नहीं करने का। भाई गैस आई है 692 रुपये 52 पैसे। अब कुछ खा लिया जाए उसके बाद ड्यूटी ऑन करूंगा, देखते हैं कुछ मिलता है खाने के लिए। वैन तो खड़ी है, खैर फूड वैन। तो फाइनली अब हो चुकी है पेट पूजा, अब करेंगे काम दूजा। तो मैंने कर दिया ओला में कर दिया मैंने ड्यूटी ऑन, अब देखते हैं कहाँ की ड्यूटी मिलती है। इधर तो खैर मिलेगी नहीं, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा सोसाइटियों की तरफ। अब मैं आ चुका हूँ ACE सिटी के पास। यार देखो कितनी धुंध है आज,
हालांकि 10 बज के 2 मिनट हो रही है। तो मुझे बुकिंग मिल चुकी है सेक्टर 38 की और मैं खड़ा हूँ लोकेशन पे ही मैडम की। मैडम ने बुलाया था, सोसाइटी के अंदर था लेकिन मैं गया नहीं। मैं कहा मैडम आप बाहर आ जाओ, ऐसा आपका टावर जो ना गेट के बिल्कुल पास में ही है, आप गेट से निकल के आ जाओगे आराम से। लेकिन मुझे पूरी सोसाइटी घूमनी पड़ेगी कम से कम 2-3 किलोमीटर और उसमें 2-3 किलोमीटर में कम से कम 70 तो जंप होंगे। तो मैं कहा भाई बाहर आ जाओ। कहने लगी ठीक है भैया मैं आता हूँ, आती हूँ 2 मिनट में। मैं कहा ठीक है 2 क्या 4 मिनट में आइए आप, मैं बाहर खड़ा हूँ आराम से। तो कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया है बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास। भाई यहाँ जो ना ड्रॉप करने से पहले सावधान रहना क्योंकि ये जो ना पुलिस वाले बहुत जल्दी चालान काटते हैं यहाँ पे। आप सवारी उतारने के भी नहीं आपका फोटो खींच लेंगे पीछे से, नो पार्किंग का चालान थी था। भाई कम से कम उतारने तो दो यार सवारी, तो यहाँ भाई खास करके ध्यान रखना। देखो ये बंदा बेचारा यहाँ खड़ा है बुकिंग छोड़ के, अब इन्होंने पकड़ लिया इसे। भाई जावे तो जावे कहाँ हम, ये बताओ जावे कहाँ हम, उड़ावे क्या इन्हें फिर है? बुकिंग मिलने की नहीं तो भाई हम चलाते रहेंगे क्या सीएनजी नहीं फूकते रहे में? ये इतनी चौड़ी सड़क है, इसमें बेचारा ये खड़ा भी है बंदा तो क्या बिगड़ जाएगा बताओ। ये रॉन्ग साइड भी आ रहा है, इनसे तो कोई ट्रैफिक उनका हो नहीं रहा। तो अब चलता हूँ मैं ग्रेट इंडिया पैलेस जीआईपी मॉल की तरफ और देखते हैं अब कहाँ की बुकिंग मिलती है। ओला ही ऑन कर रखी आज, ऊबर तो ऑन कर नहीं रखी मैंने अभी तक। इस राइड में मुझे मिले 192 रुपीज और कस्टमर का बिल बना था 259 और गाड़ी चली है 16 किलोमीटर 16.2 किलोमीटर। तो ये मिनी में थी राइड, तो मिनी में यार बहुत कम ही फेयर बनता है, बहुत कम ही मिलता है हमें। प्राइम यार जैसे प्राइम गाड़ियां हैं ना ये, मतलब प्राइम कैटेगरी में आती है तो यार ये ना उसी कैटेगरी की बुकिंग दो ना ज्यादा से ज्यादा। अब यार प्राइम गाड़ी को मिनी की बुकिंग दे रहे हो तो यार क्या बचेगा आदमी, बुराई तो करेगा ही ना, अच्छाई तो करेगा नहीं तुम्हारी। प्राइम गाड़ी कोई आदमी लेके फिर रहा ठीक है, डिजायर ले रहा है और एक आदमी चला रहा है वैगनार। अब वैगनार या उससे छोटी गाड़ी चला रहा है कोई ठीक है, सिलेरियो वाला भी वही पैसे कमा के ले जाएगा और डिजायर वाला भी वही पैसे कमा के ले जाएगा, तो फिर यार फायदा क्या? देखो खर्चा डिजायर वाले का ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है और सिलेरियो वाले का कम है। तो उसी हिसाब से बुकिंग दो ना, मिनी की बुकिंग मिनी वालों को दो जो मिनी कैटेगरी की गाड़ियां हैचबैक गाड़ियां हैं, जैसे ये हुई वैगनार हुई सिलेरियो हुई आपकी, जो मिनी कैटेगरी में उन्हें मिनी की बुकिंग दो और जो प्राइम की है उन्हें प्राइम में दो यार बुकिंग। तो मैंने बुकिंग ली थी डीएलएफ मॉल के पास से और ड्रॉप कराया कस्टमर को जंगपुरा। कस्टमर का बिल बना था 276 और मुझे मिले हैं 192। भाई साहब 1.5 घंटे वेट करने के बाद कोई बुकिंग नहीं मिली है अभी ओला में। अब मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट की तरफ, शायद उधर जाके ऊबर भी ऑन करनी पड़ जाए क्योंकि टाइम हो चुका है 1:03 और अर्निंग हुई है टोटल 907 रुपये की। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो गाइस टाइम हो चुका है 3:41 और इस वक्त मैं पश्चिम विहार। तो मुझे मैंने जो बुकिंग छोड़ी थी निजामुद्दीन से मैं खाली गया इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट पे मुझे बुकिंग मिली वापस निजामुद्दीन की रेलवे स्टेशन की, फिर मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ से बुकिंग मिली नांगलोई की बुकिंग मैंने छोड़ी, उसका फेयर बना 449 रुपये कस्टमर का ठीक है, और ओला ने मुझे दिए 320 रुपये। और टाइम बताओ इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम लगा 1:41 और 27.5 किलोमीटर था यार, टाइम के हिसाब से बहुत कम फेयर दिया इन्हें ओला ने। तो उसके बाद
नांगलोई से मुझे बुकिंग मिली पश्चिम विहार की, और मैंने अभी अभी ड्रॉप कराया, और कस्टमर का बिल बना था इसमें 199 और इसमें मिले मुझे शायद 160 रुपीज़। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था लेकिन टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि इधर जाम ज़्यादा रहता है। तो मैंने अब लगा दिया है गो होम ग्रेटर नोएडा का, क्योंकि उधर ही यार बुकिंग सही मिलेंगी, इधर तो जाम ही जाम मिलता है, जाम ही जाम। एक मिनट बाद ही अब बुकिंग आ गई है आनंद विहार की, जो कि है पंजाबी भाग से। अब यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा 3 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा लगभग 12 मिनट। पता नहीं कस्टमर इतनी देर रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा, शायद कैंसिल ही कर दे बीच में। तो चलो चलते हैं, कोशिश तो करते हैं पूरी, हो सकता मिल जाए बुकिंग, क्योंकि इतनी देर जो ना कस्टमर रुकता नहीं। यार जाम जो ना इधर बहुत ही ज्यादा है, इधर तो बस खून ही खिलस्ता रहता, पता नहीं जाम को देख देख के। नहीं एरिया वही सही है भाई, साउथ दिल्ली वाला, वहाँ इधर वहाँ इतना जाम नहीं होता, जाम भी होता तो रेड लाइट का जाम होता, यहाँ तो ये पता नहीं जाम किस चीज का लग रहा किस चीज का नहीं लग रहा। वाओ ये देखो स्विफ्ट भी आ गई भाई टैक्सी में, स्विफ्ट डिजायर तो चली रही थी अब स्विफ्ट भी टैक्सी में आ गई है HR 55A। तो टाइम हो चुका है 5:15 और इस वक्त मैं योजना विहार आनंद विहार के पास, तो मैं सुबह निकला था, दिन निकले और अब दिन छिपने वाला है। तो जो लोग 8 से 5 तक की जॉब करते हैं तो वो सोचते होंगे कि ओला उबर में कितनी कमाई हो सकती है इतने टाइम में कि हम 8 से 5 की नौकरी ना करके ओला उबर चला लें 8 से 5 तक। तो वही मैं आपको पूरे दिन का आज मैंने बताया कि क्या कहाँ कौन सी कैसी कैसी बुकिंग मिली। अब मैं नागलोई से लेकर आया था सीधी बुकिंग पश्चिम विहार की, पश्चिम विहार से आया था मैं सीधा यहाँ योजना विहार, ठीक है। तो मैंने आज टोटल 8 बुकिंग करी है ओला में, ऊबर में मैंने आज कोई भी बुकिंग नहीं करी, तो 8 बुकिंग ओला में करी है मैंने, और काम हुआ मेरा 1973 रुपये का 1973। और मैंने गैस डलवाई है 700 रुपये के करीब की, 692 रुपये की डलवाई थी 792, ठीक है। तो 1973 रुपये में से 700 गए और तुम अपना खर्चा मान लो 73 रुपये का ऊपर का खाना खर्चा, ठीक है, हालांकि ज़्यादा होता लेकिन तुम इतना मान लो। तो 1900 रुपये में से 700 रुपये गए, बचे आपके 1200 रुपये। तो आप 8 से 5 बजे तक 1200 रुपये की कमाई कर सकते हो ओला उबर में, ठीक है। इसमें मैंने आपको रियलिटी दिखाई है जो है एक्चुअल में कमाई। अब इसमें आपकी गाड़ी अगर किस्तों पर है तो 600-700 रुपये उसकी किस्त भी हो जाएगी, 700 रुपये के लगभग, कम से कम 700 तो होगी। तो 700 काट दो 12 से ना तो 500 बचे, 500 रुपये आप सुबह 8 से शाम 5 तक कमा सकते हो, ठीक है। कम भी हो सकता है काम इसमें, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा तो खैर इतना नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी वेरी मच।